ये अभी आपको जो है ना बात क्लियर हो जाएगी। आप ये बीफ वाला निकालो एक पीस, इसके पैसे भी मैं दे दूंगा। एक पीस निकालो ये वाला सबसे फर्स्ट का निकालो, ये वाला ये? हाँ इसके बराबर वाला नहीं, सबसे पीछे पीछे पीछे, हाँ ये निकालो। ठीक है अभी उठाओ, आप इसको दिखाओ ऊपर, अब इसको खोलो। ये देख रहे हैं अभी ये इसमें फुफंदी लगी हुई, इसको ज़रा सूंघे सूंघे इसको सूंघे सूंघे इसको सूंघे। क्या है ये? खराब है। कितना खराब है ये अगर कोई खा ले तो उसका क्या हाल होगा। इसी तरीके से आप दूसरा पीस उठाओ, ये इससे ज़्यादा ख़राब होगा, ये इसके बराबर वाला। हाँ ये उठाओ, ये दिखाओ, खोलो, ऊपर लाओ, ऊपर लाओ, ऊपर लाके फेस पे दिखाओ। बेटा कोई टेंशन नहीं है, देखो हमें कुछ नहीं करना, ये आप और मैं हमारे लिए। ये देख लो ये काई लग जाती है ना, ऐसे गंदे पानी को लग जाती है, और अगर फूड होता है ना उसको कुछ दिनों में काई लग जाती है। ये खा लोगे ना अगर आप, तो मैं यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट करके चला जाता हूँ। ये इतना गंदा है ना, तुमने एक पूरा भी खा लिया ना, जैसे मैंने खा लिया, तुम बीमार हो जाओगे अगले दिन। ठीक है, और दूसरा ये आलू को निकालो, ये भी मैं परचेज़ करके लेके गया हूँ, ये भी दिखाऊँ कितना स्पेशल हुआ हुआ। ये एक पीस निकालो, ये हाँ ये निकालो आलू का, अदर कोई भी ये निकाल लो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाओ, हाँ ये देखो इसको स्मेल, इसकी स्मेल चेक करो, स्मेल चेक करो। ठीक है, ये मैं गलत कह रहा हूँ आपसे, ये भी ख़राब है बिल्कुल, सड़े हुए हो रहे हैं ये। कोई अगर ये खा ले ना तो भाई लाखों रुपए की है ना बीमारियों में पैसा लग जाता है, और उसको पूछने के लिए ना मिडिल क्लास मर जाता है भाई। और हम अपनी और आपकी तो बात नहीं कर रहे, और जो नीचे है ना उनको तो मैसर ही नहीं है चीज़ें, जिनको मैसर है वो तो इस तरीके से मर जाते हैं। आप ये देखें इन चीज़ों को, इसी तरीके से आप अपनी मिठाई लेके आओ, मिठाई चेक करो। ये देखो ये जो पैकिंग वाली है ना आपकी मिठाई, ये रैपिंग जो हुई है, ये रैपिंग मिठाई खोलो एक पीस। हाँ हाँ ये खोलो, निकालो इसको, चेक करो इसको, इसमें स्मेल देखो कितनी आ रही है, स्मेल आ रही है इसमें, फफुंदी ही नहीं होती इसमें बेटा, ये इसमें भवस हो जाती है, और जो इतना मीठा पतीसा जो होता है ना बिखरता है हाथ में। ठीक है ना, इसमें कोई महक भी नहीं है, कोई खास महक मर जाती है पन्नी के अंदर, और दूसरा है सड़ जाता है।